हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली आज बहुत सारा ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि सुबह का भी एक व्लॉग था और ये आफ्टरनून का है। लास्ट व्लॉग में जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे नून टाइम हो गया था, तो एक अच्छी सी रेसिपी बनाई तो सोचा शेयर कर लूँ। उसी के लिए मैंने ये डाला तो पूरा व्लॉग हो ही गया। और यहाँ पे सुबह डाल के गई थी डिशवॉशर, तो डिशवॉशर एम्प्टी करना बाकी ही था। डिशवॉशर का भी यही है ना, हाथ से क्लीन करो तो भी कंटाला आए, और डिशवॉशर में डाला हो तब भी इसे एम्प्टी करना एक टास्क जैसा हो जाता है कि वो मुझे डिशवॉशर एम्प्टी करना है। मेरा कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे डिशवॉशर में डालना हो तब भी मैं दूसरा लास्ट वाला हो वो एम्प्टी करती हूँ, वरना रह ही जाता है। सुबह सुबह जल्दी मैं एम्प्टी कर दिया तो ठीक है, वरना मैं जब भी डालती हूँ उससे पहले ही एम्प्टी होना होता है मेरा। और दिन के टाइम में आज गए थे मंदिर सुबह, उसके बाद सब अपने रिलैक्स मोड में है। लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को स्कूल भी नहीं और आज तो सिर्फ सैटरडे है, तो सब रिलैक्स कर रहे हैं। अराउंड अभी हुआ है 3 बजे है शायद, और हस्बैंड खुश खुश है एकदम। नई कार आई है तो उनका अभी भी, कल आई थी तभी, अभी तक वो खुशी के मारे अभी भी इतने एक्साइटेड है ना कि मैं कहीं जाऊँ नई कार लेके, उनका ऐसा हो रहा था। बच्चे लोगों को कुछ इतना है नहीं एक्साइटमेंट, वो अपनी ही धुन की में मस्त है। मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है स्लो, एकदम लो फ्लेम पे, और यहाँ पे बचे हैं 3:30 3:35 PM, और घी एक तरफ हो रहा है, घी एकदम ख़त्म ही हो गया था। और आज कॉस्को गए थे ना सुबह, तो वहाँ से आया था बटर, तो मैंने घी रख दिया है और यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। हस्बैंड को बोल रही थी चाय पीते हैं, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी चाय नहीं पीना है, तो मुझे अकेले को नहीं पीना था, तो मैं उनको कन्विंस करने की ट्राई कर रही हूँ कि लेट्स थोड़ी सी चाय बनाते हैं तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। वैसे उनको चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, एक ही बार पीते हैं उसके बाद वो प्रीफर नहीं करते हुए पीना। और मेरा घी हो गया रेडी, आज बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, आधा ही बनाया है, क्योंकि बटर का भी कुछ ना कुछ, बच्चे लोग घर पे है तो कुछ बनाऊंगी वीकेंड में घर पे ही, कुछ ब्रेड या ऐसा कुछ बच्चे लोगों को पसंद आए ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैंने आधा बटर रहने दिया और आधा बटर में से ही घी बनाया। और इसे मैंने इस छन्नी से ही ड्राई क्लीन कर लिया, उसे कुछ कपड़े से नहीं छाना क्योंकि ये थोड़े दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। अगर बहुत दिन तक रखने वाले हो तो अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी होता है, और इसे गर्म है तो थोड़े दिन ढक के रख दूँगी। और आज बनाऊंगी ब्रशल स्प्राउट्स, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है अगर आप अच्छी तरह से बनाएं, तो उसी की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। कॉस्को से आया था और ये ऑर्गेनिक है। जब भी आप लीफी वेजिटेबल्स लाते हैं ना तो ऑर्गेनिक लाए तो अच्छा होता है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स पे बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, तो उसको भगाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, तो अगर ये ऑर्गेनिक ना हो तो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। तो मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि कोई बेरीज हो या फिर लीफी वेजिटेबल्स हो वो ऑर्गेनिक लाने की ट्राई करती हूँ, ताकि 100% तो ना सही पर कम मात्रा में आए कोई भी केमिकल या कुछ भी ऐसा हो तो। और ये ब्रशल स्प्राउट्स है, जिन लोगों को ना पता हो, वो छोटे छोटे इस तरह के वेजिटेबल्स है, और ये छोटे कट करें ना तो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कैबेज हो ना, बेबी कैबेज वैसे लगते हैं, टेस्ट में भी समहाउ ऐसे ही लगते हैं, बहुत डिफरेंट नहीं है और दिखने में भी वैसे ही है। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, बाहर का एक लेयर थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया जहाँ पर निकालना हो, और ये कट करके देखिए एकदम दिख रहे हैं ना छोटे छोटे कैबेज हो, बेबी कैबेजेस, तो इसको अच्छे से वॉश करना। हल्का सा मैंने निकाल लिया है नीचे वाला पार्ट, और इसमें से 2 हाउस करके इतना ही कट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उसको मुझे ब्लांच करना है, और इसे ओवन में करूँगी टोस्ट। तो ओवन को भी मैं प्री हीट करने के लिए रख लूँगी 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो ये करते करते ओवन भी रेडी हो जाएगा और ये ब्लांच भी हो जाएंगे। ब्लांच करना है, कुछ ज़्यादा पकाना नहीं है, तो 2-3 मिनट से 4 मिनट तक ही ब्लांच करूँगी, तो फटाफट से हो जाएगा। बहुत देर तक करेंगे तो ये ज़्यादा पक जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट का फ्लेवर जाए, हल्का हल्का से कुक हो जाए उतना ही। तो पानी गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ही डाला है, कुछ नहीं, और सब इसमें डाल देंगे, और इसे ढक के 3 मिनट तक मैंने उबाला, सिर्फ 3 मिनट तक, और उसके बाद इसे निकाल लिया। बस इतना ही करना है और ये आपका रेडी हो जाएगा।
एकदम हेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल वालों जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो उनके लिए, या फिर वैसे भी ये बहुत ही लीफी वेजिटेबल है तो खाने में बहुत ही अच्छी है। और बहुत अल्ट्रा पकाऊंगी नहीं ताकि इसके विटामिन लूज हो जाएं, हल्का सा ब्लांच करके इसे इस तरह से ट्रे में रख के थोड़ा सा फ्लेवर देंगे और इसे ओवन में कर देंगे टोस्ट। और मैं बाहर गई थी ये किचन का कपड़ा लाने के लिए, ड्राई हो गया था तो मुझे यहाँ पे दिखा ये बटरफ्लाई, कितना ब्यूटीफुल था। मैं एकदम नज़दीक खड़ी रह के उसको वीडियो शूट कर रही थी ना, फिर भी ये डरा नहीं बिल्कुल। और ये एकदम कलरफुल नहीं है पर देखिए इसके पैटर्न, कुदरत ने भी कितना एकदम बनाया है ना, नेचर ने भी एकदम कितनी अच्छी पैटर्न है, दोनों तरफ सेम है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ब्लू और बाहर ये एकदम पेल येलो कलर है, पर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना तो मैंने सोचा थोड़ा सा डाल लूँ। वैसे इस सीज़न में बहुत सारे बटरफ्लाईज दिखते हैं हमारे एरिया में। और घर में आई तो ये रेडी हो गया था, 3 मिनट पूरे हो गए, मैंने स्टोव को कर लिया बंद और इसको वाटर में से ड्रेन आउट कर दूंगी, और जो पानी बच जाएगा उस पानी का भी यूज़ करूंगी, वो वैसे ही नहीं जाने दूंगी, ठंडा होने के बाद वो जाएगा मेरे करी पत्ता के प्लांट में, तो उस तरह से उसका न्यूट्रिशंस भी वेस्टेज नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग जो मैंने घर पे ही बनाया था, और इसका मैं प्रपोजन डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहो तो पास्ता सॉस बना रहे हो या इस तरह से कुछ फ्लेवर देना हो तो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। और अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मैंने मटेरियल डाला था तो हमारे हिसाब से ही मैंने सब कुछ किया है, बाहर से नहीं लाया था, तो बहुत अच्छे से घर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ऊपर से जाएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बहुत ही कम डाला है, अराउंड आधे से पौने चम्मच तक, थोड़ा सा 2 चम्मच तक आप डाल सकते हो, अच्छा लगता है, पर मुझे ऑयल बहुत ज़्यादा डालना नहीं था, थोड़ा सा हेल्दी तो फिर अच्छा सा हेल्दी ही बना ले। तो ऑयल को और जो फ्लेवर डाला उससे अच्छे से कर देंगे कोट। ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। और इसको क्या करना है, हमें इसे अरेंज करना है ट्रे में अच्छी तरह से, क्योंकि हमें करना है इसे टोस्ट ओवन के अंदर, तो अच्छे से सरफेस कांटेक्ट में आएगा तभी अच्छे प्रॉपर टोस्ट होंगे और लेयर इसका क्रिस्पी होगा बाहर का, तो बाहर एकदम क्रिस्पी करना है और अंदर ये सॉफ्ट रहेगा। और इसे आप ऐसे भी खा सकते हो कुछ चीज़ किसी भी चीज़ के बिना, और हल्का सा आप योगर्ट टिप बना लीजिए, योगर्ट में धनिया और ग्रीन चिली डाल के जैसे रायता जैसे बनाते हैं वैसा बना लीजिए योगर्ट टिप, और उसके साथ भी आप खाएंगे तभी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये रेडी हो गया, बहुत अच्छे से मैंने इसे स्पेस बीच में रख के ट्रे में रख दिया है, और ओवन के अंदर 6-7 मिनट एक तरफ और उसे पलट के दूसरी तरफ भी 6-7 मिनट हमें टोस्ट करना है। एक बार मैंने पलट लिया है और दूसरी तरफ भी हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद हम खाएंगे। इन बिटवीन में लॉन्ड्री रखने गई थी, लॉन्ड्री का काम तो चालू रहता ही है, हम लोग 4 जन हैं और बच्चे लोग स्कूल जाते समय घर के कपड़े और फिर नाइट ड्रेस, ये सब करते करते दिन में कम से कम 3 पेयर्स तो कपड़े की हो ही जाती है। तो लॉन्ड्री में इस तरह का जो टिश्यू मिलता है वो डालेंगे ना तो एक कलर कैचर है, तो छोटा सा एक पार्ट तोड़ के मैं डाल दूंगी तो कोई भी कपड़ा कलर छोड़ेगा ना तो ये कैच कर लेगा, तो कोई भी कपड़े का कलर एक दूसरे में नहीं जाएगा और लॉन्ड्री अपने आप रन होगी। और तब तक मैं नीचे का काम करूंगी। और यहाँ पे लॉफ्ट में आई तो देखा पूरा लॉफ्ट एकदम घुमा के रख दिया है बच्चे लोगों ने एक दिन के अंदर ही, तो बच्चे लोग घर पे होते हैं ना तो थोड़ा बहुत मैश कर ही देते हैं, एक्टिविटी भी क्या करें, घर के बाहर तो बहुत देर से जाएंगे शाम के टाइम में, दिन के टाइम में पूरा घर पे ही होते हैं, आइडर उन लोगों को टीवी दो या फिर अपने आप कुछ करने दो। और आजकल हस्बैंड को बहुत हुआ है फ्लावर्स घर में ला ला के डालते हैं इस तरह से, वैसे मुझे फ्लावर्स प्लांट्स पे ही अच्छे लगते हैं तो मैं लाती नहीं हूँ, और मुझे बोलते रहते हैं कि लगाओ तुम फ्लावर्स घर में, पर मैं लाते ही तो खुद ही ला के लगाते हैं। कल इन्होंने डाले थे ये तीन फ्लावर्स, पर अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, उन्होंने सोचा कि कल वाले मुरझा गए होंगे तो वो फिर से लेके आ गए, पर वो भी बहुत अच्छे से अभी वैसे के वैसे ही है, एक दिन पूरा यहाँ पानी में रहा। तो पानी में क्या करना है, थोड़ा सा शुगर डाल दो और उसके बाद आप इस तरह से फ्लावर्स लगा लो ना तो बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है, और पानी को थोड़ा सा चेंज कर दो रोज पॉसिबल हो तो रोज, तो फ्लावर्स एकदम फ्रेश रहेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, एकदम ब्यूटीफुल। और हमारा स्प्राउट्स भी हो गया रेडी, जो ब्रसल स्प्राउट्स है वो इस तरह से बाहर एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और 10 मिनट्स टोटल मुझे लगे ओवन के अंदर, 3 मिनट मुझे लगे ब्लांच करने में, और खड़े रह के कुछ भी कुक करना नहीं है, और एकदम बेसिक सा, जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला पसंद है वो उनके लिए परफेक्ट है। साथ में चावल और टमाटर की मैंने चटनी बनाई थी, आमटी बोल सकते हो आप,
एकदम सादा सा, सिंपल सा, कम ऑयल और घी वाला हमारा डिनर हो गया। अभी सिर्फ 5 बजे हैं और इसी टाइम पे हम कर लेंगे डिनर। बच्चे लोग देर से कुछ खाएंगे, कुछ आज चटपटा सा कुछ उन लोगों को स्नैक्स लाए थे वो खाएंगे, और हमारा ये हो गया एकदम हेल्दी सा डिनर। हस्बैंड को थोड़ा सा खांसी हुई है, वैसे तो वो डॉक्टर के यहाँ चल के गए थे, विजिट करके आए, पर उनको वो अभी भी इतनी अच्छी से क्लियर नहीं हो रहा है कफ। तो ये मुलेठी पाउडर लाए थे इंडियंस, तो गए थे आज दिन में स्पेशली इसी चीज़ के लिए गए थे, तो वो लाए है। तो मुलेठी पाउडर को यूज़ करके आप खांसी को, थोड़ी बहुत खांसी हुई तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो कुछ करना नहीं है, मुलेठी पाउडर को हमें क्या करना है, आधे से 1 चम्मच ले लीजिए। थोड़ा सा गर्म होता है ये, तो बहुत गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ही कंट्रोल में। आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैं लूँगी, लाइक आधी टी स्पून लूँगी इसका। और इसमें डालूंगी मैं हनी, हनी डाल के इसे करना है मिक्स, और इसे आप ले सकते हो। और गर्मी की सीजन हो तो थोड़ा कंट्रोल में देखना चाहिए, क्योंकि मुलेठी गर्म प्रकृति की चीज़ होती है। तो मैंने हनी के साथ इसे मिक्स करके हस्बैंड को दे दूंगी। दिन में अगर आप 3 बार इसे सुबह, दोपहर को और शाम को ले, तो कफ में बहुत ज़्यादा राहत हो जाती है। और एक थोड़ा सा एलोपैथी दवा से अच्छा है कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक चीज़ भी हो जाती है। मुलेठी की स्टिक्स भी आती है, उसे भी आप हनी में डीप करके थोड़े से डीप करते जाएं और थोड़ा सा इसे चबाते जाएं, तभी बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आज तो पाउडर ही यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हस्बैंड को बहुत मीठा, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके दे दिया। तो अच्छी रेसिपी है ये, अच्छी चीज़ है ये खांसी के लिए। छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, पर क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड देनी होती है। और इंडियन स्टोर गए थे, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया। ये सेल में लगा हुआ था हक्का नूडल्स, वेदांत को बहुत पसंद है और विंटर आ रहा है तो इसका यूज़ होगा। साथ में टमाटर, अदरक और बेसिक सी चीज़ें जो चाहिए वो हस्बैंड ले ही आए थे। ये ऑर्गेनिक वाला अदरक है, इंडियन स्टोर में सबसे चीप प्राइस में मिलता है और अच्छा भी होता है। थोड़ा सा सिंधव सॉल्ट, और साथ में ये मुलेठी के स्टिक्स भी लाए थे, उनका भी यूज़ करेंगे। वो भी मैं वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से उसे यूज़ करना है। और ये बिरयानी के लिए थोड़ा सा फ्लेवर ख़त्म हो गया था, और ये लाए सेजवान चटनी राइस बनाने के लिए, और ये आए टमाटर, और साथ में आया थोड़ा सा रोस्टेड ग्राम। बस इतना ही शॉपिंग था, और व्लॉग को भी इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।